ऐसी प्यारी, ऐसा प्यारा शब्द है और ऐसी प्यारी उसके पीछे घटना है। आपने नाम तो सुना होगा सत्ता बलवंडा की वार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, भाई सत्ता भाई बलवंडा। ये भाई मर्दाना जी जो गुरु नानक पातशाह के साथ कीर्तन करते थे उनके कुल में से थे। भाई मर्दाना के जो सपुत्र थे गुरु अंगद देव जी के समय वो कीर्तन करते थे तंती साजों से, उसके आगे उनकी कुल चलती आ रही थी। भाई सत्ता भाई बलवंडा भाई मर्दाना के कुल में से मरासी थे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। गुरु अर्जुन देव जी के समय वो कीर्तन करते हैं हरिमंदर साहब में, संगत हजारों की तादाद में जुटती है रोज, पदार्थों के ढेर लगते हैं, चढ़ावा चढ़ता है। गुरु अमरदास जी प्रत्यक्ष गुरु नानक पांचवें गुरु नानक बैठे हैं और भाई सत्ता भाई बलवंडा बहुत ही सुरीला रस बना कीर्तन करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ऐतिहासिक घटना दास बहुत फास्ट फास्ट ले रहे ताकि समय बच जाए। भाई सत्ता भाई बलवंडा, भाई सत्ता की बेटी की शादी है, इतिहास में लिखा है भाई सत्ता की बेटी की शादी। उन्होंने आपस में विचार किया, गुरु अर्जुन देव जी महाराज से बेनती करते हैं कि शादी के लिए हमें धन दें। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हमारा है कौन? गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी हैं, वही सब करेंगे। चले गए बेनती की। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहने लगे, कोई फिक्र की बात नहीं, आपकी बेटी की शादी जैसे आप चाहते हो वैसे होगी, क्या चाहिए बताओ। तो यहाँ पर इन्होंने चलाकी की। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जब गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कह दी कि जैसे चाहे हो जाएगा, जो चाहिए बताओ, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि इतना धन दे दो या इतनी ज़रूरत है या आप कर दो। इन्होंने कहा, इन्होंने देखा था कि चढ़ावा बहुत आता है रोज। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। रुपये सोने की मोहरे बहुत कुछ आता है। कहने लगे एक दिन सुबह से लेकर रात तक शाम तक जो चढ़ावा आएगा वो हमें दे दो एक दिन का। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। गुरु अर्जुन देव जी महाराज मुस्कुरा पड़े, कह लेंगे ठीक है भाई जैसे तुम्हारी इच्छा, कल के दिन जो भी चढ़ावा आएगा वो आपका, आप ले जाना। अब नेत निरंकार की, कल के दिन संगत बहुत कम आई। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। चढ़ावा भी बहुत कम आया, अगर संगत थोड़ी आई भी तो चढ़ावा नहीं आया, क्योंकि चालाकी थी मन में। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और असल में तो ये सारा कुछ निमित्त बनता है, हमें कुछ देना था, हमें ज्ञान देना था, हमें कीर्तन देना था, क्या क्या देना था। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये बड़े नाराज हो गए, घर में जाके जब शाम को चढ़ावा गिना तो कुछ भी नहीं, बहुत थोड़ा। गुरु अर्जुन देव जी का भाई जिसका नाम आता है भाई पृथ्वीचंद, जो हमेशा गुरु अर्जुन देव जी महाराज के खिलाफ ही रहता था, सबको पता ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हमेशा बहुत कुछ किया उसने, बहुत कुछ। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जिन गलियों से गुजरते थे ऊपर से कूड़ा गिरवाता था सर पे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। उनकी निंदा करता था, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था हर प्रकार से। गुरु हरगोविंद साहब जी को तो सांप से डसवाने की कोशिश की। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वो भाई जब बीमार पड़ा तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने शब्द उच्चारण किया, राख लियो भाई मेरे को, प्रभागे अरदास। हमें सिखाया है विनम्रता क्या होती है। एक भाई मारने पर तुला है, अगर बीमार पड़े तो उसके लिए अरदास करें गुरु से, पाछा इस पे तरस कर मेरे भाई पर। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वो पृथ्वीचंद पहुंच गया मौका देखकर, भाई सत्ता बलवंड से कहता है, ये गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने तुम्हारे साथ खेल खेला है, सारी संगत से सेवादारों से कह दिया था कि संगत से कह दो आज नहीं आए, चढ़ावा नहीं चढ़ाए, ताकि आज चढ़ावा तुम्हें देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई दोनों, दोनों ने मन बना लिया कि हम कीर्तन करते हैं तो संगत आती है, हम अगर कीर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त एक सिस्टम था, एक मर्यादा थी कि केवल मरासी ही कीर्तन करते थे अंदर, और कोई सिख कीर्तन करते ही नहीं थे, आता ही नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। उन्होंने मन बना लिया कल हम कीर्तन करने नहीं जाएंगे। अमृत वेला हुआ, संगत आके बैठे, कीर्तन नहीं हो रहा। जब गुरु अर्जुन देव जी महाराज आए, देखा कीर्तन ही नहीं है, सेवादारों की तरफ देखा, सेवादार कहने लगे दो बार घर से लौट कर आए हैं, वो कहते हैं हम नहीं आएंगे, गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने हमारे साथ खेल खेला है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने बाबा बुड्ढा जी को भेजा, ब्रह्म ज्ञानी को, जाओ कीर्तनी है गुरु के, उन्हें वड़ियाई दो, लेकर आओ घर जाके। बाबा बुड्ढा जी गए, उन्हें भी उल्टा जवाब देकर भेज दिया कि हम नहीं आएंगे, आज पता चलेगा गुरु अर्जुन देव जी महाराज को कि हमारी क्या वैल्यू है,
अगर हम कीर्तन ना करें तो संगति ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अहंकार अपने कीर्तन का। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। यहाँ पर बड़ियाई देखिए कीर्तन की और बड़ियाई देखिए गुरु अर्जुन देव जी महाराज की। खुद निरंकार गए उनके घर में बुलाने, आवाज दे रहे हैं भाई सत्ता दरवाजा खोल, भाई सत्ता दरवाजा खोल। तीसरी बार जब आवाज दी तो भाई सत्ता ने कहा हम नहीं आएंगे, आपने हमारे साथ खेल खेला है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहने लगे किस बात की चिंता है, धन चाहिए ना, गुरु नानक के घर में कौन सी कमी है, आओ जितना धन चाहिए ले लो अपनी बेटी की शादी के लिए, पर आके कीर्तन करो। विनम्रता देखिए गुरु अर्जुन देव जी महाराज, खुद बुलाने गए कीर्तनियों। पर भाई सत्ता भाई बलवान अब अहंकार चरम पर था, कहने लगे हमारी वजह से ही संगत आती है, हमारी वजह से ही आप हो, अगर हम ना हो तो आपको कोई पूछे ना। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कुछ नहीं कहा, इतिहास में लिखा है बहुत कुछ कहा उन्होंने, गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने किसी बात का बुरा नहीं माना। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। पर अब लाइन क्रॉस कर गए, क्या कह दिया कि भाई मर्दाना ना होते हमारे पूर्वज तो गुरु नानक ना होता। गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी को कोई ना पूछता अगर हम कीर्तनी ना होते, हमारे पूर्वज ना होते। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह लेंगे बस, अगर हमें कुछ कहता रहता हम सब सह लेते, तूने हमारे गुरु नानक की बेदबी की निंदा की है, ये जबान पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए तेरे ये कहने से पहले, तेरा शरीर में तेरा शरीर फिट क्यों नहीं गया ये कहने से पहले। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के रचना से ये अल्फाज निकल गए, और गुरु के मुख से निकले हुए अल्फाज खाली कैसे जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज, धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी के प्रति, गुरु नानक पातशाह के प्रति गुरु अर्जुन देव जी महाराज नहीं सुन पाए, और बाबा नंद सिंह जी ये बात समझाया करते थे, कहते थे अपनी जितनी मर्जी बेइज्जती सह लो, वो सहना विनम्रता है, पर जब कोई गुरु पर उंगली उठाए अगर उसे सह गया तो वो कायरता है, वो विनम्रता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कह दिया कि आज के बाद ये इन्हें इनका प्रवेश निषेध हरिमंदर साहब में, और जो भी इन्हें माथे लगाएगा, जो इनकी सिफारिश लेकर आएगा हमारे पास, इन्हें माफी नहीं। कोई इनकी माफी की सिफारिश लेकर आता है हमारे पास, बात भी करता है इनकी, तो उसे गधे पे बिठा के काला मुंह करके जूतों का हार गले में डाल के पूरे शहर में घुमाया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये वचन सारे शहर में फैल गए कि इन्हें गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कह दिया कोई इनके माथे नहीं लगेगा हमारा सिख, इनसे कोई मिले वर्तेगा नहीं। इन्होंने गुरु नानक की, गुरु रामदास जी की निंदा की। गुरु अर्जुन देव जी महाराज गए हरिमंदर साहब, सिखों से कहा कि आज से मर्यादा बंद, वो कि खाली मराठी कीर्तन करेंगे। सिखों से कहा, कुछ सिखों को इशारा किया आओ बैठो, तंती सांस पकड़ो और कीर्तन करो। ध्यान से सुनना ये पॉइंट बहुत कीमती है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं सिखों से तंती साज उठाओ। तंती साज कहते हैं जैसे रबाब हो गई, सारंगी हो गई, जो तार वाले साज होते हैं, क्योंकि पुरातन जमाने में उन साजों से कीर्तन होता था। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। सिखों ने हाथ जोड़ दिया, पाचा हमें ना राग विद्या का ज्ञान एबीसीडी नहीं पता, उसका हमें कुछ भी ज्ञान नहीं कीर्तन के पता बारे में, ना बाणी कंठ है ना राग विद्या आती है, हम कैसे गाएंगे, गाना नहीं आता हमें। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहने के वचन मानकर पकड़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वचन मानो सांस पकड़ो। सिखों ने हाथ जोड़कर सांस पकड़कर बैठ गए, और देखिए क्या हुआ चमत्कार। उस दिन सिखों ने ऐसा कीर्तन किया जैसे मरासी करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अंदर से राग फूरने लगे, तंती सांस बजने लगे। ये अहंकार हमें है कि हमने सीखा है, गुरु की कृपा वर्ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। आप जपाए जपाए सुनाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। कोई ये सोचे कि मैं गा रहा हूं अभी गला बंद हो जाए कोई क्या कर लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुर हिलने में एक सेकंड लगता है, पता ही नहीं चलता। ये गुरु की नजर वर्तती है तो कोई उसके गुण गा सकता है। अगर यहाँ पे ये बात भी सिद्ध होती है, अगर वो चाहे कीर्तन की दाल तो एक सेकंड झोली में डाल दे एक सेकंड में। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने वचन किए सांस पकड़ो और गाओ, कीर्तन हुआ। उसके बाद कीर्तन आज तक बंद नहीं हुआ, उस वजह से, उस घटना की वजह से हमें कीर्तन की दावत मिली है, हम सब कीर्तन कर सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अब
अब हुआ क्या वहां पर? यहाँ पर तो कीर्तन चल रहे हैं, जो हमें अभिमान होता है कि हम नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा बहुत होता है। यहाँ पर ऐसे कई सेवादार हैं जो ये सोचते थे कि हम चले गए तो पता नहीं ट्रस्टी बंद हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अरे मैंने कहा मैं भी चला जाऊंगा ना, तभी भी बंद नहीं होगा, ये गुरु की कृपा से चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कोई ये अहंकार करे कि मेरी वजह से है, तेरे जाने के दो दिन बाद कोई तुझे पूछने वाला नहीं, कोई याद भी करने वाला नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा गुरु रामदास जी के दर पे, उसी क्षण से उनके शरीर में रोग उत्पन्न हो गए, शरीर जगह जगह से फट गया, पस निकल रही है, खून निकल रहा है, छालों से भर गया शरीर, ना सो पा रहे, ना बैठ पा रहे, ना बोल पा रहे, जमान में से कीड़े गिरते हैं बोलते हैं तो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वचन पूरे हो गुरु अर्जन देव जी महाराज के, क्योंकि गुरु नानक की निंदा की, गुरु रामदास जी की निंदा। गुरु अर्जन देव जी महाराज और यहाँ पर इनका ये हाल, ये कोई इन्हें माथे नहीं लगाता, घर में राशन खत्म हो गया, कोई भीख नहीं देता, कोई मिलता नहीं, किसी का दरवाजा खटखटाते हैं लोग दरवाजा नहीं खोलते। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। बुद्धि ठिकाने पे आई कि हमारी वजह से गुरु अर्जन देव जी महाराज नहीं है, गुरु अर्जन देव जी महाराज की वजह से हम हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हम रोते हैं, बिलखते हैं, एक गुरसिख मिल गया प्यार वाला, रास्ता दिखाया, कहने लगा एक तरीका है, गुरु बख्श देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। गुरु बख्श देगा, वो कहने का बताओ क्या रास्ता है। कहे लाहौर में भाई लद्दा जी परोपकारी रहते हैं। कहने लगा हाँ हम जानते हैं। उनका नाम परोपकारी क्यों है? क्योंकि वो परोपकार करते हैं, संतों की अवस्था, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है भाई लद्दा जी की, ब्रह्म ज्ञानी, वो किसी का दुख देख नहीं पाते, और गुरु अर्जन देव जी महाराज उनकी बात कभी टालते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। इतना प्रेम करते हैं उनसे, उनके शरण में चले जाओ वो बख्शा देंगे। इतिहास में लिखा है भाई सत्ता भाई बलवंडा किसी प्रकार कई दिन लगा के, क्योंकि चला भी नहीं जाता था, कई दिन लगा के लाहौर पहुंचे। जब सुबह पहुंचे वो घर पे नहीं थे, घर वाले उन्होंने देखते ही दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज का हुक्म है कि कोई माथे नहीं लगाएगा। ये दोनों भाई घर के बाहर बैठे हैं, शाम हो गई, भाई लद्दा जी परोपकारी जी आए, भाई लद्दा परोपकारी नाम है, परोपकारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आ गए, देखा इन्हें, इन्होंने चरण पकड़ लिया भाई लद्दा जी, रोने लगे जोर जोर से, भाई लद्दा जी परोपकारी को तरस आ गया। कहने लगे मैं सब जानता हूँ, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो आपके साथ हुआ है सारे सबको पता है, सारे शहर को। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगे जाओ हरमंदर साहब जहाँ शुरू होता है, अमृतसर साहब की जहाँ हद शुरू होती है, रामदास चक रामदासपुर की जहाँ हद शुरू होती है, वहाँ पे जाके मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। इन्हें हौसला जागा, क्या बख्शा दिए जाएंगे। भाई लद्दा जी परोपकारी जी ने सोचा गुरु रामदास जी के वचन है कि जो भी इनकी सिफारिश लेकर आएगा गधे पे बिठा के मुँह काला करके गले में जूतों का हाथ डाल के शहर में घुमाया जाएगा। तो भाई लद्दा जी परोपकारी जी ने क्या किया, खुद गधे पे सवार हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन है, धन है ऐसे गुरु के सिख। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे परोपकारी होते ही ऐसे, जब परोपकार करने का समय आए फिर वो ये नहीं देखते कितना करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अपने आप को मिटा दिया, लोग क्या कहेंगे, लोग संत, संत की पदवी उनके सर, लोग सर झुकाते उनके आगे, पर गधे पे खुद सवार होकर गए, गधे पे सवार होकर गए वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर जहाँ से शहर की हद शुरू होती है अपना मुंह काला किया, गले में जूतों का हार डाला और शहर में घूमना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। बात फैल गई भाई लद्दा परोपकारी मुंह काला करके गधे पे बैठ गए, गले में जूतों का हार डाल के शहर में घूम रहे श्री अमृतसर शहर में। गुरु रामदास जी को पता चला, मुस्कुरा पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज को पता चला, मुस्कुरा पड़े। कहने लगे बुलाओ उन्हें, कहने लगे साथ में सत्ता बलवंड भी है, कहने लगे ले आने दो उन्हें भी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। भाई लद्दा जी आए, सत्ता बलवंडा साथ में खड़े, आंखें नीचे हैं, रोग से भरे पड़े हैं, रो रहे। गुरु रामदास जी कहने लगे पहले स्नान करके मुंह धोकर आइए। भाई लद्दा जी परोपकारी जी का मुँह काला किया हुआ था ना, जूतों का हार निकाला, मुँह धोके स्नान करके आए। कहने लगे बताइए क्या कहते हैं,
कहने के पाछा बख्श दो, इन्हें बख्श दो, इनसे भूल हो गई, आपके घर में नहीं बख्शे जाएंगे तो कहाँ बख्शे जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा जो गलती इन्होंने की है बख्शने योग तो नहीं, पर क्योंकि आप कह रहे हो भाई लद्दा जी, आपके कहने पे मैंने बख्शा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और तब ये कहा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इन दोनों से, सत्ता बलवन से, जाओ सरोवर में स्नान करके आओ, रोग मुक्त हो जाओगे। सरोवर में स्नान करके आओ और आकर जिस जबान से गुरु नानक की, गुरु अंगद देव जी की, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी की निंदा की, उसी जबान से, उसी रचना से यहाँ पे बैठ के उनकी उस्तत करो, तुम्हारे सारे पाप भी माफ हो जाएंगे, रोग भी कट जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और उस वक्त ये पहला शब्द उच्चारण किया था, उन्होंने स्नान करके आए और ये पंक्तियां पढ़ी थी। मैं ये सोचता हूँ गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शब्द को वर नहीं दे दिया कि जाओ स्नान करके आओ और गुरु रामदास जी की उस्तत करो, यहाँ पर जैसे जैसे उस्तत करते जाओगे रोग मुक्त होते जाओगे, पाप कटते जाएंगे। प्यार से बोले धन गुरु नानक। और उस वक्त इस शब्द का उच्चारण किया भाई सत्ता जी ने, भाई बलवंत जी ने, सब गाना सब।